हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जावा सीरीज। और आज हम एक प्रोग्राम करेंगे फिबोनाची सीरीज का। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे फिबोनाची सीरीज होती क्या है। फिबोनाची सीरीज में एक सीरीज होती है जिसमें जो हमारा एलिमेंट होता है वो प्रीवियस टू एलिमेंट का एडिशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, सपोज़ यहाँ पर 0+1 और ये में हमारे दो एलिमेंट हैं इनिशियली, और इन दोनों का एडिशन होगा 1, देन 1+1 जो प्रीवियस हमारे एलिमेंट है 1+1, तो इसका जो एडिशन होगा वो होगा 2, देन 1+2 ये हमारा इसका एडिशन होगा 3, देन 2+3 इसका एडिशन होगा 5। तो ये कंटिन्यूसली ऐसी सीरीज हमारी बनती जाएगी, तो इसी सीरीज़ को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़। तो आइए हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक नई क्लास क्रिएट करेंगे और इस क्लास का हमने नाम देते हैं फिबोनाची सीरीज़। और यहाँ पर हम मेन मेथड भी ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़र से इनपुट करवाएंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट की फिबोनाची सीरीज़ हमें रिक्वायर है। तो यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा बफर रीडर क्लास। तो यहाँ पर हम क्लास लेंगे बफर रीडर और हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू बफर रीडर। और यहाँ पर देन हम इसमें पास करेंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम रीडर। और चूंकि यहाँ पर हम कीबोर्ड से वैल्यू ले रहे हैं तो system.in। अब यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे system.out.println। और यहाँ पर how many numbers कितने नंबर्स की हमें सीरीज। अब यहाँ पर हम एक इंटीजर लेंगे n और इसमें जो भी हमारा नंबर्स आएगा उसको इंटीजर में पार्स करेंगे, पार्स इंटीजर। और किसको करना है हमें br.readline, क्योंकि हम जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो एज ए स्ट्रिंग में आएगा यहाँ पर, और उस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट करके किस में रीडायरेक्ट कर देंगे n में, या n में पास कर देंगे। अब यहाँ पर इसे ट्राई कैच की रिक्वायरमेंट है, यहाँ हमने इसको ट्राई कैच प्रोवाइड कर दिया। अब चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने सीरीज ली थी, तो इनिशियली हमें क्या लेना पड़ेगा 0 और 1। तो यहाँ पर हम दो इंटीजर लेंगे, इंटीजर f1 इक्वल्स टू 0, देन इंटीजर f2 इक्वल्स टू 1, देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 और 1 का जो एडिशन है वो 1 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे f=f1+f2। अब यहाँ पर जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, f1+f2। देन हम क्या करेंगे, तीनों को प्रिंट करवा लेते हैं system.out.println। और यहाँ पर हम देते f1
देन हम प्रिंट करवाते हैं एफ टू को, देन एफ को यहाँ पर हमने एफ वन एफ टू और एफ को हमने प्रिंट करवा लिया। देन हम क्या पर यहाँ पर एक इंटीजर लेंगे काउंट और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे जीरो, इट मीन्स ये जीरो से स्टार्ट होगा। देन यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे ताकि ये क्या करे इंक्रीमेंट होता जाए, तो वाइल वाइल और यहाँ पर हम देंगे इसको काउंट काउंट, कहाँ तक जाएगा ये, सॉरी ये कहाँ तक जाएगा हमारे एन तक, मीन्स जो हमने इनपुट करवाया नंबर वहाँ तक जाएगा। देन क्या करेंगे अब आप देख सकते हैं जो हमारा एफ टू था वो एफ वन हो जाएगा, और जो हमारा सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एफ होगा वो एफ टू होगा और जो हमारा एफ टू था वो क्या हो जाएगा एफ वन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको एफ वन क्या हो जाएगा, जो हमारा एफ टू था वो एफ वन हो जाएगा एंड हमारा जो एफ था वो एफ टू हो जाएगा, एफ टू इक्वल्स टू एफ। देन हम क्या करेंगे हम अगेन इस एफ को प्रिंट करवा लेंगे और काउंट प्लस प्लस ये वन बाय वन इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते, अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10, तो ये आप देख सकते हैं सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, एफ इक्वल्स टू हमने यहाँ पर एडिशन नहीं किया एफ वन प्लस एफ टू। ओके अब अगेन हम इसको रन करवा के देख लेते हैं, यहाँ पर मैं डालता हूँ 10, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी एक फिबोनाची सीरीज क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमारा था फिबोनाची सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।